कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्सरस मैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, हम सभी अभी अभी माननीय आदरणीय डीसी साहब से मिले हैं। हम पहले ही अवगत करा चुके हैं कि समस्त भारत में एक जो हमारा प्रोग्राम है 11 से 18 तक न्याय जात का और जस्टिफिकेशन वो है। तो कल यानी हमारा उसका जो प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ पर ही हमारा जो ऑफिस है डीसी ऑफिस के पास ही पठानिया कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर हमारा प्रोग्राम है। 10 बजे से हमारा यात्रा आरंभ होगी। वहाँ से हम प्रस्थान करेंगे शहीदी चौक, वहाँ नमन करेंगे उन शहीदों को जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उसी जगह से जहाँ से हम ये शुरू करेंगे वहाँ पर वापस आएंगे। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगी, विनती रहेगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपका सहयोग चाहिए, सभी का चाहिए। ये कोई मेरा पर्सनल वो नहीं है। हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ जो बेइंसाफी हुई है, हमारे साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो त्रुटियां रही हैं, विसंगतियां रही हैं, हम वो लोग नहीं हैं कोई उद्दंडता या कोई इस किस्म का कोई वो नहीं करना चाहते। हमारा जो ध्यय रहता है वही रहता है जैसे हम थे ऐसे ही हम हैं। एक फौजी जो होता है, चाहे वो भूतपूर्व हो चाहे वो प्रेजेंट हो, वो देश के प्रति उसका एक ही थ्रू थिक एंड थिन वी रिमेन विद द कंट्री इटसेल्फ। तो देश तो हमारा है, भारत माँ हमारी है, हम उसके चरणों में ही रहने का प्रयास करते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। तो मेरी ज़्यादा नहीं कहते हुए आज मेरा एक ही विनती रहेगी, एक 85 ईयर्स का जो मैं एक सेवक हूँ, मुख्य सेवक होने के नाते कठुआ के जो भी मेरी माताएं बहनें वीरांगनाएं मेरी आज के संबोधन को ट्रांसमिशन को मेरी बातचीत को सुनती हैं, उसी वक्त अपने दिल में एक धारणा बना लें, एक सोच बना लें, एक निष्ठावान बन जाएं कि हमारा जो वो है कि हम किस लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए। तो मेरी विनती रहेगी कि आप सभी जहाँ जहाँ भी हमारी बात जाती है, वैसे तो हम सब जगह हो आए हैं, बिलावर बसोड़ी जे इधर उधर नीचे बाडर चंदू अमलाड हमारा बरवाल लगेर सहारा सभी जगह गए हैं। तो लेकिन उन लोगों को फिर मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, आज शाम को जब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो कल के लिए भाई और बहनों भूले नहीं, मतलब इस बात को अपने हृदय पटल पर बिठाएं और ज़रूर अपनी जहाँ पर हाजिरी लगाएं। ये एक वो विषय नहीं है, धर्म का, धर्म और कर्म का विषय भी है।